बच्चों, अभी तक आपने चमत्कार देखा अपनी स्किन पर बेसन और चावल का, लेकिन आज देखेंगे मसूर की दाल का। मसूर की दाल हमारी स्किन पर दिखने वाले जो व्हाइट हेड्स होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, जो बहुत ही गंदे लगते हैं, उनको छूमंतर कर देगी। और चलो, कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो एक हफ्ते के लिए बनाने के लिए हमें चाहिए करीब करीब 3 टेबलस्पून मसूर की दाल। आप चाहें तो इसे ज़्यादा भी पीस कर रख सकते हैं, क्योंकि मिक्सी में थोड़ी थोड़ी चीज़ें पीस नहीं पाती हैं। तो मसूर की दाल को हमें भिगाना वगैरह नहीं है, बस हमें पीसना है। पीसने के बाद इसका पाउडर तो बनाइए, लेकिन छानिए नहीं। ये छानना नहीं है, क्योंकि हमें इसका स्क्रब भी बनाना है। ये देखिए, मैं प्लेट में आपको निकाल के दिखा रही हूँ, कितना बढ़िया नेचुरल कलर का ये दाल का पाउडर बनकर तैयार हुआ है। सारे पाउडर को आप एक बड़े बोल में डाल दीजिए। लाल मसूर की दाल नेचुरल तरीके का क्लींजर है, बल्कि ये ब्लीचिंग एजेंट भी है। इस दाल में भारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि चेहरे के पिगमेंटेशन एंटी एजिंग से मुकाबला करता है। इस दाल के पाउडर में हम बिना छाने ही पहले इसमें गुलाब जल डालेंगे, रोज वाटर जो अक्सर हम यूज करते रहते हैं। चेहरे पर ठंडक देता है, एक अरोमा सा फ्लेवर आता है, जिसकी वजह से हमें लगाने में भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी आप देखते जाइए, धीरे धीरे मिलाते जाइए। एक पेस्ट सा तैयार करना है। मुझे थोड़ा सा इसे और गीला करना है, तो मैंने थोड़ा सा गुलाब जल और भी डाल दिया। पानी न डालें, गुलाब जल ही डालें। मैंने वही इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जो आप आराम से घर में यूज़ कर सकते हो। ये नेचुरल तरीके के होते हैं और बिना केमिकल के होते हैं, जो कि हमारे चेहरे को नुकसान तो कभी भी नहीं देते हैं। हम उम्र से छोटे लगें और तो और हमारे फेस पर इतना ग्लो हो कि जो भी देखे वो यही पूछे, आजकल लगा क्या रहे हो फेस पर, कुछ ज़्यादा ही ग्लो कर रहा है। तो बस ये स्क्रब और ये मास्क या ये क्रीम कह सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग है। आपने देखा, मैंने एक साफ छन्नी से इस पूरे मिश्रण को छान लिया। छानने से हुआ ये, मुझे स्क्रब भी मिल गया, वो हम बाद में यूज करेंगे, पहले मैं क्रीम बना रही हूँ। ये जो पतला सा मुझे गाढ़ा सा घोल मिला है ना, करीब 2 टेबलस्पून के आसपास, वो मैंने एक कटोरी में डाल दिया। इसी में मैं 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ एलोवेरा। एलोवेरा आप कोई भी यूज कर सकते हैं, केसर चंदन वाले फ्लेवर वाला या नॉर्मल वाला भी। इसे आप ताजा पेड़ वाला भी यूज कर सकते हैं, पर वो फिर ना बहुत जल्दी जल्दी खराब हो जाएगा, इसलिए आप कोशिश कीजिए जेल ही यूज कीजिए। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। जो भी आप चम्मच कटोरी लेते हो ना, वो बिल्कुल साफ लिया कीजिए, क्योंकि आप चेहरे पर यूज करोगे। अब इसमें 1 चम्मच भर के डाल दीजिए ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है चेहरे पर नमी देता है, आपको ड्राई नहीं होने देता है आपके चेहरे को। अगर आपका फेस ऑयली है तो इसमें ग्लिसरीन की मात्रा थोड़ी कम कर सकते हैं। अब इसमें डाल दीजिए विटामिन ई के 2 कैप्सूल डाल दीजिए, कोई भी ग्रीन येलो जो भी। इसको कट लगा के धीरे से उसका पूरा मिश्रण इसके अंदर डाल दीजिए। एक से बढ़कर एक चीजें हैं जो कि हमारे चेहरे के लिए बहुत बेस्ट है। इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अभी भी ये पूरी तरीके से मिक्स नहीं हुआ है, इसलिए मैं इसे एक बार और छन्नी में छान लेती हूँ, जिससे ये एलोवेरा वगैरह सब अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको आप पैक की तरह यूज कीजिए। इसे आप फ्रिज में रखकर 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं स्क्रब बनाने के लिए। अभी अभी जैसे आप स्क्रब यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उस दानेदार वाली दाल को ले लीजिए, उसमें मिला लीजिए थोड़ी सी शहद। शहद अगर देसी है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं है तो कोई भी जो आपके यहाँ शहद है उसको मिला लीजिए। अभी मैं एक टाइम के लिए स्क्रब बना रही हूँ। इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नींबू का रस। ये आपके चेहरे को, हाथों को, गर्दन पे जो मैल जमी होती है या ब्लीचिंग कराने की जरूरत होती है, वो भी फायदा देगी और चेहरे को ग्लो भी देगी। बाकी का मिश्रण मैंने इस तरीके से जार में रख दिया है। देखा ना आपने, ये क्रीम बनकर तैयार हो गई है। ये स्क्रब हम जब जब बनाएंगे, मतलब दूसरे तीसरे दिन जब हम स्क्रब करेंगे तो उसको यूज करेंगे। अब यहाँ पर जो स्क्रब तैयार है उसको मैं हाथ पे लगाकर आपको दिखा रही हूँ। मैं तो अभी इंस्टेंट बता रही हूँ, लेकिन आप इसे कम से कम 10 मिनट के लिए इसे लगाकर रखें। पहले हल्के हाथ से पूरा लगा लीजिए और हल्के हाथ से मसाज कीजिए, 10 मिनट लगा रहने दीजिए स्क्रब को। मैं आपको इंस्टेंट बता रही हूँ कि इसका ग्लो कितना अच्छा देता है। ये हाथ पर, चेहरे पर, गर्दन पर, पैरों पर, कोहनी में, जहाँ भी आपको लगता है कि इसे ज़रूरत है हमारी स्किन को, तो वहाँ आप इसे यूज़ कीजिए। धीरे धीरे रब कीजिए और इसे 10 मिनट तक लगा रहने दीजिए। मैंने इसे रहने नहीं दिया है, मैं इंस्टेंट इसको वॉश करके आई हूँ, आप देखिए।
और इसे पोंछ दिया है। आप खुद देखकर समझ जाएंगे कि कितना फर्क आता है। मैं काले गोरे की बात नहीं कर रही हूँ, स्किन की सफाई की बात कर रही हूँ। अब वो जो हमने क्रीम बनाई है ना, जो पैक कह सकते हैं, क्रीम कह सकते हैं, वो आप लगा दीजिए। इसे भी लगाकर आप 20 मिनट कम से कम लगा रहने दीजिए। इसके सारे फायदे जब तक कि आपकी स्किन एब्जॉर्ब न कर ले। जब ये सारी चीजें एब्जॉर्ब कर लेगी स्किन 20 मिनट तक, उसके बाद आप ठंडे पानी से इसे वॉश कर लें। जिस दिन भी आप इस पैक को यूज कर रहे हो, स्क्रब को यूज कर रहे हो, उस दिन फेस वॉश या कोई भी टाइप का साबुन बिल्कुल चेहरे पर न लगाएं। बच्चों, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे इस सीजन में इस फेशियल से ज्यादा अच्छे वाले पैक का मजा सभी ले सकें।